गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये एक रैंडम ब्लॉग है, हर बार के जैसा नॉर्मल ब्लॉग नहीं है। गाइस, इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा डाइट, जो मेरी 15 डेज़ की न्यू डाइट है ना, सिर्फ मैं आपको डाइट बताऊंगा, कुछ भी नहीं, पूरा बोलूंगा आपको डाइट में क्या क्या है क्या नहीं है, 15 डेज़ के लिए क्या रहेगा और मुझे कितने केजीज कम करना है। ओके, चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। अब आप लोग आइए स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ और आप लोगों को बोलूँगा। ओके, चलिए। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है मेरी गाइस डाइस, ये है मेरी गाइस गाइस सॉरी ये है मेरी डाइट गाइस। 15 डेज़ की डाइट है ये। मेरा नाम आप लोग देख ही सकते हो गए, उधर लिखे सो है देव, 15 डेज़ भी उसके नीचे लिखे सो है गाइस। गाइस, मेरा वेट है 92.2 गाइस, बहुत ज़्यादा है सच्ची में, बहुत 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 ज़्यादा है मेरे एज के हिसाब से। अगर गाइस मेरी हाइट ज़्यादा रहती थी तो ये मेरा वेट कम ही रहता था, अब मेरी हाइट कम है ना तो मेरा वेट ज़्यादा है। अब डॉक्टर ने कहा है गाइस, मतलब जैसे मेरा वेट कम होना स्टार्ट होएगा, मेरी हाइट बढ़ने की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, मतलब मुझे दवाई देंगे जिससे मेरी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। अब आप लोग लेफ्ट आगे में देख सकते हैं गाइस, एक्यूप्रेशर डाइट थेरेपिस्ट कंसल्टेंट मनीषा, डॉक्टर का नाम मनीषा है गाइस। कंसल्टेंट के नीचे आप लोग WT बोल के लिखे सो देखते होंगे, 92.2 वो मेरा वेट है। ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल भी है गाइस इनका। चलिए वो सब छोड़िए, बीच में आप लोग मेरा नाम है देख सकते हैं, 15 डेज़ लिखे सोए। अब मैं आपको डाइट स्टार्ट करवाता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, 7:30 AM मॉर्निंग में मिल्क, मिल्क तो मैं हर बार ही पीता हूँ गाइस, रोज़ सुबह ही पीता हूँ, पर टाइम अलग अलग रहता है ना। 7:30 रोज़ फिक्स हो जाएगा, वो पीना है, स्टार्ट करना है। फिर 9:30 एनी फ्रूट गाइस, कौन सा भी फ्रूट। चलिए गाइस, अच्छा है अगर ये डाइट में कंटिन्यू करता हूँ तो मैंगो भी रहेगा ना, मैंगो भी आने वाला है कैसा भी। अभी कौन सा सीज़न है गाइस, मार्च, अप्रैल और मई तक तो आ जाएगा गाइस, आराम से आ जाएगा बनाना। और पर एक ही फ्रूट खाना है गाइस, वाटरमेलन, बनाना, एप्पल, मैंगो मुझे पसंद है ये चार, और देखते हैं कौन से फ्रूट आते हैं खाएंगे। और फिर गाइस 11 o'clock को देखिए, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, 2 2 2 2 गाइस, ये सब पहले भी था डाइट में, मतलब मिल्क भी था, एनी फ्रूट भी था, और ड्राई फ्रूट्स तो हर भारी थे, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये चार। फिर उसके बाद गाइस 1 बजे 2 रोटी नॉर्मल फुलका गाइस, ऐसे भी मैं फुलका ही खाता हूँ, परांठा नहीं खाता हूँ मैं, विदाउट घी वाला फुलका गाइस हर बार के जैसा। 3 सब्जी लिख के दिए गाइस, एक दिन कद्दू की सब्जी, एक दिन तुरई की सब्जी, एक दिन पालक की सब्जी, ऐसे गाइस, एक दिन कद्दू, एक दिन तुरई, एक दिन पालक, एक दिन कद्दू, एक दिन तुरई, एक दिन पालक। तो गाइस 15 डेज है ना, 15 / 3 = 5, मतलब 5 दिन तक कद्दू, 5 दिन तक तुरई, 5 दिन तक पालक। तुरई तो खाई है गाइस मैंने बहुत बार, पर पालक और कद्दू तो एक बार भी नहीं खाया है गाइस, वो तो सब्जी का चेहरा देख के मालूम पड़ जाएगा मुझे कभी मैंने खाई है कि नहीं खाई है, देखते हैं कैसा कैसी रहती है सब्जी। ओके, चलिए फिर उसके बाद 2 बजे आता है बटर मिल्क गाइस, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बटर मिल्क, पर पीना पड़ेगा। मुझे दही नहीं पसंद है गाइस, मैं दही मुश्किल से जब भी खाता हूँ जब दही के साथ भुजिया से वो रहती है या दही के साथ बूंदी रहती है, क्योंकि जब आलू के परांठे बनाते हैं मम्मी दही और बूंदी खाते हैं हम लोग, और कभी कुछ सब्जी नहीं बनी तो गाइस दही तो रहता है ना घर पे, भुजिया से वो ला लेते हैं बाहर से, दही और भुजिया से वो विथ रोटी खा लेते हैं अगर सब्जी कुछ भी नहीं है तो, इसलिए मुझे बटर मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद। फिर 4 बजे आता है गाइस चटपट मुरमुरा, देखेंगे गाइस क्या है ये चटपट मुरमुरा, चटपट मुरमुरा या बीट रूट चिप्स गाइस, उन्होंने बीट रूट चिप्स कहा था, सब कुछ सामान ला लिया है गाइस, कलिच ला लिया है, खाली ड्राई फ्रूट्स लाना बाकी है, ड्राई फ्रूट्स आज डैडी और भैया ला लेंगे। बाकी फिर 4 o'clock के बाद 6 o'clock आता है अपना लेमन बार्ले स्क्वाश, जो पहले पीते थे ना गाइस बहुत पीते थे ना, लेमन बार्ले स्क्वाश 50 ml वाटर, 250 ml, ये पता नहीं ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद रात में 8 बजे 2 मेटी परांठा और ग्रीन चटनी, दोपहर में भी रोटी है और रात में भी रोटी है गाइस इसमें। जब पहले गाइस दोपहर में रोटी हुआ करती थी और शाम में बेसन का चिलवा हुआ करता था, बेसन या फिर ओट्स का,
पर ये बार वैसा नहीं है। ओके तो गाइस ये है हमारी 15 डेज की डाइट, इसे करना है फॉलो। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कितना वेट कम करना है। 92.2 ना गाइस, हमें कम से कम 3 या 4 केजीज कम करना है गाइस। 3 तो टारगेट रख के चल रहा हूँ मैं, ये 15 डेज में 3 केजीज कम हो जाना चाहिए। कि जब गाइस मैंने पहले किया था 15 डेज में हो गए थे 3.5 केजीज कम हो गए थे। ये बार भी टारगेट रखना है 3 केजीज का। इसके साथ गाइस फिजिकल फिटनेस थोड़ी बहुत है, 15 या 20 मिनट दिन में वॉकिंग करना बस बोले। वैसे तो मैंने आज वॉकिंग करके आ गया हूँ मैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा ही किया है आज तो वॉकिंग। शाम में भी देखेंगे, अगर जाना है तो जाएंगे वॉकिंग, वरना देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना भी है ना। तो ये है गाइस हमारी डाइट, अब इसे फॉलो करना तो स्टार्ट हो गया है। आज फर्स्ट डे था हमारा, 7:30 मिल्क भी हो गया है और अभी अभी जस्ट फ्रूट खाया है मैंने। अब 11 o'clock की वेट है, फिर बादाम पिस्ता काजू अखरोट रहेगा। देखते हैं 15 डेज के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या रहता है। पर गाइस 15 डेज के बाद मैं शायद नहीं जा पाऊँगा, मैं 19th डे जा पाऊँगा गाइस, क्योंकि 15 डेज के बाद रहेगा 28 ही रहेगा, क्योंकि कल से स्टार्ट किया था ना डेज काउंट करना, तो 28 रहेगा। और 31st को मेरा अकाउंट्स एग्ज़ाम है, और अगर मैं इधर चले गया शाम में, आने के बाद पढ़ने का मूड नहीं रहेगा, ये वो रीज़न, इसीलिए एग्ज़ाम्स के बाद ही जाना पड़ेगा। चलिए पर भी देखते हैं क्या सीन रहता है। फ़िलहाल तो अब ये रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा, डाइट मैंने आपको बता दी है। अब गाइस 15 डेज के बाद आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिखेंगे बॉडी में। 15 डेज उसके बाद दूसरी डाइट, और वो 15 डेज के बाद गाइस, अगर ये 1 month में कम से कम मेरा 7 to 8 kgs कम हो सकता है, कम हो जाएगा, तो मेरी हाइट बढ़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी गाइस। मतलब नेचुरली तो ग्रोथ होगी गाइस, डॉक्टर ने कहा था हाइट, अगर वेट अपने आप कम होना, बॉडी अपने आप हाइट बढ़ जाती कहते। मुझे वो जो दवाई देंगे ना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर भी अच्छा है ना गाइस, नेचुरली भी ग्रो हो गई उन्होंने दवाई पर। मुझे लग रहा है गाइस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फ्यूचर में होंगे ना, मुझे तो यही लग रहा है। कल से जब से उन्होंने दवाई खाया ना, मुझे वैसे एक दो बार आया भी दिमाग में साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, बाला नहीं जाना, वैसे कुछ कुछ तो भी होता है ना कई साइड इफ़ेक्ट्स। चलिए गाइस फिलहाल तो देखेंगे 15 डेज के बाद क्या रिजल्ट रहता है अपना। ओके चलिए इस व्लॉग को मैं इधर एंड करता हूँ। ओके 15 डेज करना है गाइस, क्योंकि अगले महीने शादी भी है ना, और 22 से फंक्शन है गाइस, मतलब 22 अप्रैल से लेके 1 मई तक रेगुलर फंक्शन है गाइस। एक दिन भी नहीं खा पाएंगे हम लोग बाहर का। काश अगर मैं पतला होता तो ज़रूर, पर क्या कर सकते हो। ओके चलिए होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो उसे लाइक करना, एंड चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।